अभी हाल ही में बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश की चुनाव मंदिर और धर्मों के नाम पर जीती है, पर हम आपको एक ऐसी कार्रवाई दिखा रहे हैं जहां सरकारी जमीन पर कार्रवाई तो हुई पर कार्रवाई की इस कड़ी में मंदिर को तोड़ने का कार्य पूर्ण हुआ। मामला शहडोल जिले के बुढ़ार नगर का है, जहां चमड़िया पेट्रोल पंप के पास स्थित राधा कृष्ण मंदिर को प्रशासन के द्वारा जमींदोज कर दिया गया। सवाल यह नहीं कि मंदिर तोड़ने की कार्रवाई क्यों हुई, बल्कि सवाल यह है कि जब शासकीय भूमि है तो मंदिर भी शासन का है, जिसे सार्वजनिक तौर पर लोगों के आस्था या स्वयं पुलिस प्रशासन के लिए छोड़ा जा सकता था, क्योंकि ये मंदिर पुलिस कॉलोनी बुढ़ार से लगा हुआ था। किंतु धर्म की आस्था पर यह आघात कहीं न कहीं समस्त राजनीतिक लोगों के साथ साथ प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करता है। मध्य प्रदेश शासन की भूमि को आज शुक्रवार को पुलिस प्रशासन व राजस्व की संयुक्त टीम ने आज अतिक्रमण हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। हम बहुत दुखी हैं इस मंदिर गिरने से। हमारा 60 साल का मंदिर था, हम लोग बहुत सेवा करते थे इस मंदिर का। मंदिर लोग बहुत बनवाते हैं पूजा करने के लिए, जिस मंदिर की पूजा हम लोग करते थे, आज मंदिर हमारे सामने टूट गया, हम कुछ नहीं कर पाए। और अधिकारी लोग भी आए हमारे यहाँ, कुछ भी नहीं बताए थे। 5 मिनट पहले DSP साहब SP साहब आते, बोलते दुकान खाली कर लीजिए। मंदिर का उन्होंने एक जिक्र भी नहीं किया कि आपकी मंदिर भी गिरने वाली है। हम लोग पूरा मंदिर में वो अपना दुकान खाली करने में लग गए। बाद में पता चला कि मंदिर भी गिरा रहे हैं। ऐसा कहाँ होता है ये बताइए कि क्या होता है। इतना बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर, ऐसे ध्वस्त करके चले गए, किसका गया? हम लोग का पूरा मंदिर, घर परिवार सब एक तरह से बिखर चुके हैं। हम लोग उसी के सहारे, हमारा दुकान था, सब कुछ था, तो और हम लोग को नोटिस भी नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात, कोई भी बुला लाइए, कौन बोला है कि हमने नोटिस दे के आए किसी को? हम तो दुकान में 24 घंटा रहते थे। कोई भी एक सदस्य आके बोल दे कि हमने इनको कागज दिया था तो हम मान लेंगे। हमको सामान तक खाली करने के लिए मौका नहीं दिया गया है। हमारा इतना नुकसान हो गया, पूरा सब कुछ। नुकसान का तो छोड़िए, इतना बड़ा मंदिर विशाल, जितना मंदिर के आदमी कितनी श्रद्धा से बनाता है। यहाँ देखिए मोदी जी लोग मंदिर बनवा रहे हैं, राम मंदिर, यहाँ कृष्ण भगवान का मंदिर, इतना विशाल मंदिर तोड़ के रख दिए, किस मतलब का? कोई वोट नहीं, कुछ भी नहीं, सब ऐसे ही है। अधिकारी लोग अपने मनमानी करते हैं, जिसके पास पावर है उसका सब कुछ है। कुछ गलत नहीं था यहाँ पर, सब सरकारी जमीन कुछ नहीं था। हम 60 साल से रह रहे, कभी तो नहीं बताया गया ना कि ये सरकारी जमीन है, आप सरकारी जमीन में कब्जा करके रखे। हम प्रशासन से बहुत दुखी हैं, कुछ भी नहीं है। मोदी जी भी कुछ भी नहीं है। अब मोदी जी को हम लोग इतना नफरत करेंगे कि कृष्ण भगवान का इतना बड़ा हमारा मंदिर तोड़ के रख दिए, किस मतलब का? मोदी जी का मतलब, हम लोग इतना पूजा करते थे मोदी जी का, क्या किए मोदी जी हमारे लिए? कुछ नहीं किए, इतना छोटा सा, अरे जीने खाने के लिए मोदी जी गज्जा गज्जा। देखिए, जो आज ये कार्रवाई हुई है अतिक्रमण की, तो इसमें मैं घटनास्थल पे गया था और पुराना मंदिर बना हुआ था, पुरानी दुकानें बनी थी, लेकिन इनों का जो भी ज़मीनी विवाद हो, चाहे शासकीय रही हो चाहे जो भी, इसके बारे में मुझे पूरी तरह जानकारी नहीं है। लेकिन एक हमारे मोहल्ले की बात थी और एक मानवता के नाते मैं गया और मैंने अधिकारियों से रिक्वेस्ट भी किया कि किसी का घर ना उजड़े, और अधिकारियों ने भी पूरा इस बारे को सुना और सपोर्ट भी किया, और उनकी भी इच्छा थी कि मैं मंदिर को ना तोड़ूँ। लेकिन वो भी शायद मेरे को ऐसा लगा बेबस थे, क्योंकि ये जो भी कार्रवाई हुई है ये सब मध्य प्रदेश शासन, भाजपा की जो सत्ता है, ये उनके निर्देशों पे हुई है। और आज बुढ़ार में इतनी बड़ी कार्रवाई, इतना बड़ा प्रशासनिक काम, और मैंने किसी भी भाजपा के नेता को नहीं देखा कि वो आके इसमें कुछ बात करे कि ये जो कार्रवाई हो रही है सही हो रही है कि गलत हो रही है, या उनको इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने इस पूरी कार्रवाई से अपना पल्ला झाड़ा था। उस घटनास्थल पे एक भी भाजपा का ना तो पदाधिकारी मौजूद था, ना कोई कार्यकर्ता मौजूद था, और अधिकारी की भी बेबसी मुझे साफ दिख रही थी, क्योंकि मैंने उनसे जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ऊपर से सारे आदेश हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एक सवाल ये है कि आज पूरा देश जो है एक धर्म की ओर ध्रुवीकरण है। भाजपा को सभी जानते हैं कि धर्म पे भाजपा का जोरदार रास्ता है, तो इस ऐसे वक्त में मंदिर का तोड़ा जाना किस हद तक सही है भाजपा के लिए? बिल्कुल आप यही बात सही बोल रहे हैं कि जो भाजपा
मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाई करा रही है और हिंदुओं को ये बताती है कि हम मंदिरों के निर्माण करा रहे हैं। और आज इतना पुराना 500 साल का पुराना मंदिर जो कि शिव जी के मूर्ति वहाँ पे स्थापित थी और वहाँ पे श्रद्धालु लोग जाके पूजा अर्चना करते थे और यहाँ पे बड़ा एक अच्छा वातावरण हमारे मोहल्ले में निर्मित था क्योंकि भजन कीर्तन होता था और पूरी पाठ पूजा होती थी। लेकिन आज मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार जिस तरीके से मंदिर को ध्वस्त किया गया ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है कि एक तरफ आप मंदिर की बात करते हो और दूसरी तरफ इस तरीके से मंदिर को उजाड़ दिया गया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब शर्मनाक घटना हुई है। और मैं प्रशासनिक अधिकारी को इसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि वह तो जो ऊपर से शासन के निर्देश होते हैं वह उसका पालन किए, लेकिन फिर भी उन्होंने मानवता दिखाई है, उन्हें भी मंदिर में कार्रवाई करने में हेजिटेशन हो रहा था, लेकिन चूंकि जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं तो उन्होंने अपने निर्देश। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।